एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यूवर ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, राम राम, सीताराम। उसी के साथ मॉर्निंग हो चुकी है, बढ़िया सा गुड। कल अहमदाबाद में काफी सारी बारिश हुई और मैच बंद हुई है, बंद रही है, पर मुझे पता नहीं है बंद रही, क्योंकि हमको मैच में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। लेकिन जो 10:30 बजे तक तो पता ही था कि मैच नहीं चालू हुई थी, फिर क्या हुआ है वो पता नहीं। आपको पता हो तो कमेंट करके बताना कि कल मैच खेला था कि अभी बाकी है, आज खेलने वाले हैं। और उसी के साथ आज कल शाम को इतनी बारिश आए ऐसा लग रहा था सूरत में, लेकिन बारिश भी नहीं आई। और सुबह में देख लीजिए कितनी ब्यूटीफुल सनलाइट निकल के आ चुकी है। तो सूरत में तो सब कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन अहमदाबाद में तो बारिश के साथ थोड़े थोड़े वो जो बर्फ के टुकड़े हमारे गुजराती में करा बोलते वो भी गिरे थे। तो सब कुछ ऐसा चल रहा है, तो देखते हैं किचन में अभी क्या होता है। हमारी मॉर्निंग करते हैं स्टार्ट। तो गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। क्या बनाने का है दोपहर को? हमारे लिए आम काट दी गई है और दोपहर को भिंडी की सब्जी और दाल भात। और रस निकालने वाले हैं कि नहीं निकालने वाले? रस नहीं निकालने वाले, तो ये देख लीजिए हमारे फ्रिज में फ्रोजन किया हुआ रस है, जिसको खाना है वो खा सकता है। हम हर रोज खाते है, कभी कभार फ्रोजन भी कर देते है, इतना फ्रोजन कर दिया है। देख लीजिए ऐसा कौन करता है, फिश के अंदर मरी मसाले सब कुछ रख दिए है। और देख लीजिए तिल रख दिया है, इसमें ड्राई फ्रूट सब फ्रिज में ही डाल दिया है। मैंने तो ऐसा पहली बार देखा कि तल बल सब इसमें कोई डालते। आपके घर में ऐसा होता है तो कमेंट करना कि हमारे घर में होता है, पता चले फ्रिज में ऐसा है तो बाहर हुए। और आम देख लीजिए फ्रोजन किए हुए, तो जब आम नहीं घर पे होता है तब वो एंजॉय करते हैं। और देख लीजिए हाँ, वो भी अच्छा लगेगा, कैरी खत्म हो जाएगी ना तब वो भी मीठा लगे। तो चलिए आपको जाने का नहीं है, तो आज ना सोनल जा रही है 11 करने के लिए, तो कब वापस आएंगे? 2 दिन में वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमें बाहर भी जाने का है, जो हमारा 6 तारीख, इसलिए हमें 5 तारीख को जाना पड़ेगा। तो 2 दिन 11 करने के लिए जा रहे है, तो अभी मैं जाऊंगा उसके छोड़ने के लिए। पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट लपेटूंगा, उसके बाद मैं उसको छोड़ने जाऊंगा। तो रोटी बन रही है सुबह की ब्रेकफास्ट के लिए, और बन रही है चाय। तो रोटी हमारी सुबह की क्यों नहीं फूट रही है वो बता दीजिए। हाँ तो इसमें ज्यादा मोन डाल दिया होता है ना, इसलिए नहीं बनता है वो। देख लीजिए भाई, चाह हो चुकी है बढ़िया सा, लेकिन हमारे को तो नहीं पीने का है। तो रोहित भाई के लिए ब्रेकफास्ट बन रहा है, क्योंकि उसका थोड़ा सा लेट होता है, वो उठते हैं 10 बजे, तो 10 बजे उसका ब्रेकफास्ट बनता है और हम उठ जाते हैं जल्दी, लेकिन खाने का 10 बजे। मैं सुबह 7 बजे तो उठ ही जाता हूँ, लेकिन जो मेरा जो कसरत वसरत वो सब करता हूँ, एक्सरसाइज वो सब, इसलिए मेरा थोड़ा सा लेट होता है। और अभी चाय हो चुकी है ब्यूटीफुल। जब तक रोहित ब्रेकफास्ट करेगा तब तक मैं ना सोनल को उसके पापा के घर पे छोड़ के आ जाता हूँ, उस फिर आके उसके साथ बातें सीते करेंगे। देख लीजिए बैग ले ली है अपनी और जाने के लिए हो चुके है रेडी। तो अभी मैं इसको छोड़ के आता हूँ, फिर रोहित भाई से मिल के बातें सीते करेंगे क्या सब कुछ है। मम्मी तो ऊपर है अभी, उस कंटी का रोड बोर्ड बना रहे है, और पापा और सब पापा के पे बाहर गए हैं, और दादा बा सब नीचे बैठे हुए हैं। तो दादा इधर पार्किंग में बैठे हुए हैं, देख लीजिए चलिए वो मिल ही लेते हैं दादा से। सीताराम आया था क्या? नहीं आया था, तो दादा भी अपने आप थोड़े थोड़े चल रहे हैं, और अभी इसको छोड़ के आ। तो दोपहर के बस गए 11 और सोनल को रख के आ चुके हैं। तो चलिए मम्मी से नहीं मिले तो पहले मम्मी से मिल लेते हैं। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो मम्मी अभी बना रही है भिंडी की सब्जी और दाल। रस निकालने का है कि नहीं निकालने का है? तो वो वाला फ्रिज में से जो रस है वो थोड़ा निकाल लो, मेरे को खाने का है। और बताइए और क्या चल रहा है? तो हम बेतरन केरी से तो राजापुर का ऐसा है निकलेगा रस। तो मम्मी अभी अपना काम कर रहे है रसोई का, और रोहित ने तो खाना बना खा के कहीं पे बाहर चला गया है, तो मिला नहीं है, मिलेगा तब उससे बातचीत करेंगे। तो अभी मेरा थोड़ा काम है वो मैं लिपटा लेता हूँ, फिर दोपहर को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी दोपहर के बज चुके हैं, और देख लेते हैं दोपहर के लंच में भिंडी की सब्जी थी उसके साथ क्या क्या है।
तो देख लीजिए रोहित पापा बा सब लोग खाने के लिए बैठ गए है और सलाद और भिंडी की सब्जी और रस हम खाने वाले है। चलिए तो अभी बज चुके हैं शाम के 5:30 और पहुंच चुके हैं घर पे और देख लीजिए हमारा भाई चाय और फाफड़ी लपेट रहा है अकेले अकेले क्योंकि हमने तो चाय बंद तो बंद कर दिया है तूने। हाँ हमने बंद कर दिया है और सुबह से अब मिले नहीं तो आपके साथ बातें सीधे करनी थी कि वो मेस का क्या हुआ था। फिर मेस का तो कल बंद हुआ कैंसिल हुआ था। हाँ वो तो अभी मैं ऑफिस पे गया तब बात कर रहे थे कि कल हुआ था बंद आज है लेकिन आज भी मेरे ख्याल से बंद हो सकता है बारिश के हिसाब से। और मम्मी आ चुकी है और मुझे लगी है बहुत सी भूख तो मम्मी को मैं बोल रहा था एक बार हमने सेव बना रही थी गेहूं के लोटे की उसमें शुगर और सब डाल के बनाते हैं तो आज वो वाली सेव फिर से खाने का मन हो चुका है तो बनाएंगे ऐसा है। हमारा तो भाई फिक्स ही रहता है हम चाय पीने का बंद किया इसलिए हमने सेव वो बनाई खाने की है तेरे को। हाँ तो अभी हम वो सेव किस तरह बनाएंगे क्या है वो सब कुछ आपको दिखा देंगे। एक बार तो आई थिंक दिखाई दी थी लेकिन मुझे भी मालूम नहीं है दिखाई है कि नहीं दिखाई है तो आज फिर से वो दिखाई देंगे और मस्त बढ़िया सा बनती है घर पे जैसे मैगी होती है उस तरह से सेव आती है। देख लीजिए इस तरह से सेव आती है उसको क्या करना पड़ता है मम्मी घी में सेकने की फिर उसमें शुगर वो सब कुछ जाता है। और इसका तो 1 साल हो गया होगा है ना बनाई उसका हमने 1 साल में इतनी बनाई थी अभी भी इतनी पड़ी है और ये है तो मैं और रोहित सेव खाने वाले है चलिए करेंगे वो वाली सेव इंजॉय। और रोहित भाई आप सुबह से कुछ मिले नहीं तो कुछ बोलिए तो सही क्या करता हूँ वो आपके शॉपिंग करने जाना है खाने के बाद सेव आज तो नहीं कल सुबह ऐसा है कल सुबह जाएंगे और क्या ढूंढ रहे हो फ्रिज में उसमें कुछ खाने का नहीं है रस खाने का है तो है फ्रोजन करेला है रस नहीं खाते वो आइसक्रीम खा लेते हैं मैंगो का लेकिन रस उसको पसंद नहीं है। तो चलिए अभी हम दिखा दे आपको सेव किस तरह से बननी है और रोहित भाई बोल रहे कल जाएंगे उसके कपड़े लेने तो कहाँ पे जाते हैं वो कल का कल देखेंगे तो पहले तो आज हम सेव दिखा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने ले लिया है घी और उसके बाद मम्मी क्या करने का है वो बता दीजिए। और ये सेव मैदे की नहीं बनती है कि गेहूँ की बनती है सिर्फ गेहूँ की बनती है और मशीन ऐसा है और ये मशीन से बनाई हुई पहले हम छोटे थे तब वो खबर पाटिया लेके ऐसे हाथ से बनते थे वो ये वाली नहीं है ना ये मशीन वाली है फिर उसको ओसी का ऐसे ऐसे गोठव के फिर सुखाना पड़ता था वो। तो अभी चलिए भाई घी हो गया इस तरह से गर्म अभी उसके अंदर जा रही है सेव हमारी मम्मी ने एक साथ पूरी सेव डाल दी अभी इसको तब तक सेकना है जब तक ब्राउन ना हुए ना तब तक है ना। हाँ तो इसको ब्राउन हो जाएगा उसके बाद इसमें पानी डालना पड़ेगा कि पानी दूध। हाँ तो पहले इसको ब्राउन इसकी इस तरह से होते वो देखते हैं। चलिए देख लीजिए काफी सारी सेव भी ब्राउन हो चुकी है अभी ज्यादा गर्म हो जाएगा तो जल भी जाता है। तो चलिए अभी इसके अंदर डालेंगे पानी कितना पानी डालने का है मम्मी ये पूरी सेव ढक जाए ना इतना पानी डालने का है और देख लीजिए कितनी ब्राउन पहले व्हाइट थी आधी ब्राउन हो चुकी है और आधी हो जाएगी। वो भी जा रहा है इसके अंदर पानी इसमें तो बराल बहुत ज्यादा निकल गई कौन पूरा बराल बराल हो गया। अभी देख लीजिए इसमें इतना पानी डाला है अभी इसको पैक करके ना बाफने देने का है बाफने देने का है उसके बाद इसमें हम और अजी पानी डालने का है तो और पानी डालने का है फिर इसके बाद इसके अंदर जाएगा पूरा पानी सूख जाएगा थोड़ा रहेगा ना फिर इसके अंदर हम डालेंगे शुगर गुड़ नहीं डाल सकते शुगर डालेंगे तो अभी इसको बाफने देते हैं। तो देख लीजिए पानी काफी सारा जल चुका है और उसके अंदर अभी डाल रहे हैं अभी चीनी तो चीनी की ज्यादा चाहिए इसमें क्योंकि ज्यादा लोगों की बनाई हुई है हमने 3-4 लोगों खाने के लिए है ना गले नहीं थी गई इतनी बुद्धि नाकी से तो भाई मीठा ज्यादा बहुत नहीं होगा क्योंकि अपने हिसाब से सब लोग डालते होते हैं आपके घर में जो लोग बनाते हैं वो अपने हिसाब से डालते होते हैं
और हमारे घर में जो बनाते हैं वो हमारे हिसाब से डालते हैं। वो भी बस 5 मिनट में ये देख लीजिए सेव कैसी बन गई है, बन जाएगी, अभी इसका एंजॉय करें। फाइनली अभी सेव हो चुकी है हमारी रेडी, तो चलिए अभी सेव बन जाने के बाद मम्मी को जाना है मार्केट, वरना उसके पास एक आधा भजन, आज भजन बोलते के गा के सुना है हमें, गाना है मम्मी भजन आज नहीं, आज मम्मी को मार्केट जाना है, खोपड़ी जो हाँ मम्मी के पास पूरी ना बुक लिखी हुई है, उसमें सारा भजन भजन सब लिखा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी टाइम मिलेगा तो बोलेंगे कि गाएंगे, क्योंकि आज उसको मार्केट में सब्जियां लेने जाना है, वो अभी टाइम हो चुका है 6:30, अभी वो सब्जी फटाफट लेके रात की रसोई बनाएंगी। तो चलिए सेव हो चुकी है रेडी, तो पहले वो खा लेते हैं फिर बातें सीते करेंगे क्या, ना ना इधर ही हम खा लेंगे। मैंने और रोहित ने इतनी सेव ले ली, क्या बोलेगा, पूरी फिनिश हो जाएगी। मेरे को तो कम ही खानी है। कम खाने के क्यों? मैंने अभी चाय खाया ना, ऐसा है तो भाई मेरा तो पता नहीं है मैं कितनी खा सकूंगा। ऐसे वो ऐसी होती है, जब आप खाते हो ना तब आपको ऐसा लगता है कि पूरी खा जाएंगे, फिर बाद में मीठे के हिसाब से जितना खाओगे ना उतना फिर मजा नहीं आएगा। 2-3 चम्मच खाओगे तो फिर ऐसा लगेगा नहीं मजा आएगा, तो स्टार्ट करते हैं खाने का, देखते हैं कितनी फिनिश कर पाते। शाम के बज गए सेव और मैंने तो सारी सेव मैंने और रोहित ने मिलके फिनिश कर दी, फिर भी अभी भी मुझे भूख लगी है। और ऐसे वो आप लोगों ने ट्राई की है तो कमेंट में बताना इसको क्या बोलते हैं, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ऐसे मैं मम्मी को बोलता हूँ तो हर बार वो लेके या किसी के पास बना के लेके आते है, मेरे लिए स्पेशल ज्यादातर यही रखते है, और मेरे अलावा कोई खाता नहीं है, मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो क्या इसलिए तो मेरे को चाय और सब कुछ पीने का भी मना बोल रहे हैं। तो सेव खा के तो भाई बहुत ही मजा आ गया, बहुत बढ़िया से सेव बनी थी, काफी लॉन्ग टाइम के बाद मैंने सेव खाई तो बहुत मजा आया। और अभी मम्मी गए मार्केट और पप्पा और रोहित बैठे हैं दादा के पास, तो अभी मार्केट से आते हैं और देखते हैं क्या क्या लेके आए, जो जल्दी आ जाएंगे तो दिखाएंगे, वरना ब्लॉग एडिट करने बैठ जाऊंगा तो कल दिखाऊंगा, तो देखते हैं क्या होता है, जल्दी आते हैं या। तो शाम के बज चुके हैं 6:30 और घर पे आ गए मम्मी, तो देखते हैं मार्केट में से क्या क्या लेके आए, थैला भर के लेके आए। तो एक ये जो बरस हमने बनाई थी ना वो रेडीमेड, वो तो हमने बनवाई थी, और तैयार बरस इतनी स्मूथ आती है देख लीजिए, जो हाथ में भी नहीं आती, बाल जैसी आती है। और अभी खजाना खोलते हैं इसमें से क्या क्या निकलता है। इनमें से तो ज़्यादातर डूंगलियाँ, धाने, पालक, मरचे, गोभी, सरगवा, आलू, इतना ही लेके आया हूँ मम्मी, तो सभी खाने की सब्जी लेके आए हैं, उस हमारे लिए खाने के लिए नहीं लाए हैं, क्योंकि हाँ वो क्या बनाना लेके आए थे वो नीचे रखा हुआ है, तो बस आज के लिए इतना ही है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब करवा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, कल मिलेंगे बहुत अच्छे नए कंटेंट के साथ, जब तक न्यू वीडियो नहीं आता है तब तक ये वीडियो एंजॉय करो।